हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास थर्ड के लिए साइंस की क्लास है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीथ मींस जीवित वस्तुओं का सांस लेना। ठीक है, ब्रीथ मींस सांस लेना। डिफरेंट लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब बहुत या विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जीवित वस्तुएँ सांस लेती हैं बहुत प्रकार के अंगों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रकार की जीवित वस्तुएं बहुत प्रकार के अंगों से सांस लेती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स, मनुष्य और कुछ जानवर अपने नाक और फेफड़ों से सांस लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जानवर जैसे मछली, जो पानी में रहते हैं जैसे मछली अपने गिल्स से सांस लेती है। गिल्स मीन्स गलफड़े। ठीक है, गलफड़े से सांस लेती है। देखो ये है मछली की गिल्स, ये गिल्स से सांस लेती है। ये ह्यूमंस के क्या है, नोज और लंग्स। ह्यूमन कहाँ से नोज और लंग्स से सांस लेगा। ठीक है, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ जानवर जमीन और पानी में रहते हैं। बोथ दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड गिल्स, वे दोनों लंग्स फेफड़ों तथा गिल्स से सांस लेते हैं और गलफड़ों से भी सांस लेते हैं ले सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो कॉकरोच ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स ऑन देयर बॉडी, कीड़े जैसे मच्छर कॉकरोच, ठीक है, सांस लेते हैं जो उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे वो सांस लेते हैं। ठीक है, मच्छर की बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं वो उनसे सांस लेते हैं। कॉकरोच है ना, इसकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद हैं तो इससे सांस लेगा। ठीक है, प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पॉर्स विच आर प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, प्लांट्स भी क्या लेते हैं, सांस लेते हैं किसके द्वारा, छोटे छोटे छेदों के द्वारा जो उनकी पत्तियों पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है आपकी लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर मीन्स जीवित वस्तुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता। ठीक है, जैसे हमें मनुष्य और जानवर हैं उनको आपको खाना तो खाना ही होगा ना, पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, नहीं तो लिविंग थिंग्स क्या होगी, डाइट हो जाएंगी या मर जाएंगी। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा कार्य और खेलने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स से जब वो खाना खाएंगे उन्हें ऊर्जा मिलेगी, जब ऊर्जा मिलेगी तभी तो वो कार्य कर पाएंगे और खेल पाएंगे। ठीक है, वाटर आल्सो गिव अस एनर्जी एंड प्ले मेजर रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, पानी भी हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है और हमारे भोजन के पाचन में अहम रोल निभाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन पानी के ही द्वारा होता है। वाइल मेकिंग ऑफ फूड एंड प्लांट्स, और जबकि पौधों में भी जो भोजन बनता है वो पानी के ही कारण बनता है, पानी नहीं हुआ तो उनका भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, हम पानी और भोजन के बिना नहीं रह सकते। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, पौधे अपना भोजन सूरज की रोशनी और हवा और पानी की मदद से बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, मनुष्य जानवर और कुछ छोटे जानवरों को भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, हमें पौधों पर निर्भर रहना तो पड़ता है, हमारा अनाज कहाँ से आता, पौधों से, हमारे फल कहाँ से आते, पौधों से। ठीक है, हमारी सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, पौधों से भी। ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं ना, वो भी पौधों को खाते हैं पत्तियों, गाय भी किसको खाती है, घास को खाती है, पौधे ही हैं ना वो। ठीक है, वो एक फैक्ट देखते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवाइजर, दे ईट इंसेक्ट, कुछ प्लांट कीट भक्षी होते हैं और वो कीटों को खाते हैं, कीट भक्षी भी कीटों को खाने वाला। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जो कीड़ों को भी खा लेते हैं, जैसे एक पौधा होता है पिचर प्लांट, वो क्या है, कीड़ों को भी खा लेता है। ठीक है, आपके लिए आप इतनी ही है क्लास है, थैंक यू।